हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टिप टॉप ब्यूटीज और मैं अंकिता। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप कॉफ़ी का स्क्रब एंड कॉफ़ी का फेस पैक कैसे बना सकते हैं जिसका रिजल्ट काफ़ी आपको अच्छा मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए कि आपको बनाना कैसे है इसे। तो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ, बिल्कुल भी आपके टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हम दो बोल ले लेंगे, एक में हम बनाएंगे फेस पैक और दूसरे में स्क्रब बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा मेन इन्ग्रीडियंट जो है वो कॉफ़ी है। कॉफ़ी हमारे चेहरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर पहले हम बना लेते हैं स्क्रब। तो स्क्रब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया है। आप देख लीजिए कि आपको कितने फेस के लिए बनाना है। मैंने इसे सिंगल यूज़ के लिए बनाया है, देन हाफ मैंने चम्मच ले लिया है कॉफ़ी। इसमें फिर हम ऐड करेंगे लेमन जूस। अगर आपको ये सूट नहीं करता है देन आप इसके जगह पर रोज़ वाटर ऐड कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी और इसे मिक्स कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा स्क्रब रेडी हो जाए। अब हम बनाएंगे फेस पैक। तो फेस पैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा यूज़ किया है। अगर या आप ये यूज़ नहीं करना चाहते हैं देन आप बेसन का यूज़ कर लीजिए। हाफ टेबल स्पून कॉफ़ी डालेंगे। अगेन हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। तो लेमन जूस अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते देन आप इसके जगह पर कर्ड का यूज़ कर लीजिए, दही का, ताकि ये आपके फेस को ना फ्रेश फील करवाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे विटामिन ई कैप्सूल। आप इसके जगह पर ऑलिव ऑयल या फिर नारियल तेल का यूज़ कर सकते हैं मॉइस्चर के लिए। तो मैंने यहाँ पर विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ किया है। अब हम इसमें लास्टली ऐड करेंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर की कोई क्वांटिटी नहीं है क्योंकि आपको इसे इतना ही डालना है जैसे एक अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है रोज़ वाटर ताकि एक बढ़िया सा पेस्ट रेडी हो जाए फेस पर लगाने के लिए। इसे डालने के बाद हम इसे करेंगे मिक्स मिक्स एंड मिक्स। तो हो गया हमारा दोनों तैयार, यानी फेस पैक भी रेडी हो गया है और स्क्रब भी। तो हम स्क्रब अप्लाई कर लेते हैं अपने फेस पे। इसे 3 to 5 मिनट्स तक मसाज करना है, उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। अब आपको भींगे चेहरे पर ही इस मास्क को भी अप्लाई कर लेना है। आपको इस पैक को कम से कम 10 मिनट तक अपने चेहरे पर रहने देना है, जब तक ये थोड़ा सूखने लगेगा, उसके बाद हम इसे मसाज करेंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो गया है तो आपको हल्के हाथों से इसे मसाज कर लेना है। नाउ हम बात करते हैं कि आपको इस फेस पैक को और स्क्रब को कब अप्लाई करना है। तो आपको इसे वीकली अप्लाई करना है, यानी वीक में आप एक बार इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। आपको इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। बहुत लोग सोचते हैं कॉफ़ी का यूज़ करने से आपकी स्किन टोन जो है वो डार्क हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। जब आप अप्लाई करते हैं तो कुछ देर के लिए वार्म टोन में चली जाती है, बट वो फिर जो आपका नेचुरल ग्लो होता है, नेचुरल कलर होता है, वो वापस हो जाता है। तो आप इसे, ये मिथ है कि आप कॉफ़ी अप्लाई करने से आपकी स्किन डार्क हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और कॉफ़ी ना काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है आपको। तो जो भी आपका रिव्यू रहेगा ना अप्लाई करने के बाद, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी होगी देन आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।